कि जिनके द्वारा गत वर्ष तो हमें सहयोग किया ही गया, क्योंकि एक साथ हमारे रामलाल के पुत्रों का दहन यहां स्पष्ट मैदान में हुआ था। फिर हरिद्वार में कहीं पे भी गत वर्ष कोरोना काल में रावण नैना आदि पुत्रों का दहन नहीं हुआ, और पुलिस विभाग हरिद्वार द्वारा जो हमें गत वर्ष भी सहयोग प्रदान किया गया उसके लिए तो धन्यवाद है ही। इस वर्ष भी जहां हमारे निवासियों के बीच में, क्षेत्रवासियों के बीच में भ्रांति थी कि इस वर्ष भी शायद रामला का मंदिर है ना हो और दशहरा मेला है ना हो, लेकिन हमारे पुलिस विभाग ने जो महत्वपूर्ण सहयोग हमारे संस्थान को दिया, केवल हमको ही नहीं हरिद्वार के जितने भी रामला समितियां हैं, जितने भी संगठन हैं उत्तराखंड पुलिस हरिद्वार ने उनसे पूर्णतः सहयोग किया, और कल से पुलिस विभाग इस मैदान में किस प्रकार से अपनी सेवाएं दे रहा है, समय समय पर यहां की जानकारी लेना, भीड़ के विषय में अगली सेवा समय सेवा दल भी यहां पुलिस विभाग द्वारा लगाया गया है। ट्रैफिक व्यवस्था में मैं श्री रामनगर संस्थान की ओर से उत्तराखंड पुलिस हरिद्वार का हार्दिक धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और आशा करता हूं कि जिस प्रकार उनका सहयोग निरंतर हमें मिल रहा है आगे भी मिलता रहेगा। इसके साथ साथ नगर निगम हरिद्वार के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, सफाई कर्मियों, जिनके द्वारा लगातार 3 दिन यहां मेहनत करने के पश्चात इस मैदान को साफ किया जा सका, अन्यथा यहां पर बहुत ही गंदगी जाती थी, और 3 दिन से लगातार निरंतर उन्होंने सेवाएं दी, जिसमें नमामि गंगे की ओर से अकाउंट सैनिटाइजर उनके द्वारा भी अपने कर्मचारी यहां लगाए गए। मैं श्री रामनाथ संस्थान की कृपया अपने छोटे बच्चों का हाथ पकड़ के रखें, उन्हें अकेला ना छोड़े, क्योंकि भीड़ में बच्चे गुम हो जाते हैं और रोते हैं, हाथ मिल तो जाते हैं लेकिन भीड़ में बच्चे परेशान होते हैं। आपसे बार बार अनुरोध कि अपने बच्चों का हाथ पकड़ के रखें, उन्हें अपने से अलग ना जाने दें, और जिन भी महानुभाव ने गाड़ियां आड़ी चिट्ठी खड़ी कर रखी है कृपया आने के मार्ग पर छोड़कर रखें और व्यवस्था में सहयोग प्रदान करें। ये जो आइसक्रीम वाले रावण जी हमारे पुत्र जी और चले गए, दोनों भेड़िया मां से हटा दें, जिनकी आइसक्रीम की भेड़िया 3 भेड़िया मां से हटा दें, वहां कोई भी सड़क नहीं बेचने आना नहीं रहेगा। ये गुब्बारे वाले भेड़िया वाले भी तो हमें आकर के आपकी भेड़िया जब भी हटानी पड़ेगी, आप रावण के सामने से तीनों भेड़िया हटाए, सब भेड़िया हटाकर बाया दाया बता जाए, अव्यवस्था ना फैलाए, एक फेरी वाला भी रुका हुआ, ये भी फेरी हटाओ वहां से, दो फेरी वाला रुका हुआ, तुम फेरी हटाओ, हमें विरोध ना करें, आपसे किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करें। जो ये फेरी सामने खड़ी है अपनी तीनों फेरी हार जाए आपने मैदान से, मुगला देवी परमपुरी निवासी जो अपने परिवार को बिछड़ गई हैं, वे कृपया करके मंच के समीप आकर के अपने परिवार से संपर्क कर लें। मुगला देवी परमपुरी निवासी जो अपने परिवार से बिछड़ गई हैं, वे कृपया परिवार से आकर के मिले मंच के समीप उनके परिवार वाले उनका इंतजार कर रहे हैं। इस समय बजरंगबली हनुमान जी, अंगद और सुग्रीव जी, इस समय इस भूमि का अवलोकन आपके समय प्रस्तुत होगा। एक अपॉइंट को जयकारा लगना चाहिए। जय श्री राम। काम को एक चंद्रशी
काशीपुरा 20 रुपए, रमेश 15 कोटि, बरेली 50 रुपए, प्रिंस चंडीघाट 50 रुपए, सोनिया रोड़ी में आप सभी लोग चुनाव यहाँ पर दशहरा देखने के लिए आए हुए हैं, इसे शांति के साथ बैठ करके विशाल जन से बताए। हमको मालूम है पिछले वर्ष आप लोगों को दशहरा मेला में आने नहीं दिया, प्रदान कर रहे हैं आपका धन्यवाद। महेंद्र सैनी इन बाई पास वाले 250 रुपए धनराशि प्रदान करते हैं, आपका धन्यवाद। सुधीर ज्ञानी 10 रुपए धनराशि प्रदान कर रहे हैं, आपका भी धन्यवाद। राम कृपाल राठौर सैन ठाकुर 20 रुपए धनराशि प्रदान कर रहे हैं, आपका धन्यवाद। उपेंद्र ठाकुर दरभंगा बिहार निवासी 50 रुपए धनराशि प्रदान करते हैं, धन्यवाद। गीता जोधपुर निवासी 20 रुपए धनराशि प्रदान करते हैं, धन्यवाद। अंकित जी 20 रुपए धनराशि प्रदान करते हैं, आपका भी धन्यवाद। मनोज जी जोधपुर वाले 20 रुपए धनराशि प्रदान करते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हरिमोहन जी आप धनराशि का संबोधन करें अधिशिक्षा से। कृपया सभी लोगों से निवेदन व्यवस्था बनाए रखें, व्यवस्था खराब ना करें। यहाँ पर बच्चे देखने के लिए आते हैं, दशहरा मेला में उपस्थित होते हैं और अपना सहयोग प्रदान करते हैं। आज भी आप हमारे मध्य में पधारे और हमारा उत्साह वर्धन करने के लिए आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। डॉक्टर सिंह अशोक रेड्डी जो गोसाई गली भीमपोड़ा निवासी हैं, पूर्व में आप BEL कोटद्वार में कार्यरत रहे जेई के पद पर, वर्तमान में आप भीमगोड़ा गोसाई गली में अपना निवास रखते हैं। आज दशहरा पायता के पावन अवसर पर 2100 रुपए की धनराशि श्री रामनाथ संस्थान को प्रदान कर रहे हैं। मैं डॉक्टर अशोक गिरी जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं और आपके परिवार में सदैव सुख शांति समृद्धि बनी रहे इस बात की मैं प्रभु श्री राम जी के चरणों में प्रार्थना करता हूं। सोमवार